सो हेलो पीपल, आज हम देखने वाले हैं कि एरर के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी 15.7, जिसमें एरर है 0.2 केजी का, एंड दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 27.3, जिसमें एरर है 0.3 केजी का। नाउ आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू बॉडीज एंड एरर इन इट, यानी कि वो दोनों बॉडीज के टोटल मास कितने, आपको ये बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि उसमें कितने एरर हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ओके। नाउ आपको यहाँ पे ना दोनों बॉडीज के मास के बारे में बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सबसे पहले बॉडी का मास है m1, दैट इज 15.7 केजी, जिसमें एरर है 0.2 केजी का, ओके। और आपका दूसरा मास है, दूसरे बॉडी का मास है 27.3, जिसमें एरर है 0.3 केजी का। नाउ आपको टोटल मास चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मास, टोटल मास, ठीक है। तो मैं ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा, दोनों का जो मास है, एक्चुअल मास है, उसे ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे m1 प्लस m2 में ना क्या ऐड करूँगा, ध्यान समझना, सिर्फ 15.7 और ये 27.3 ऐड करूँगा, ठीक है। सो ये 15.7 और 27.3 ऐड किया। क्यों ऐड किया, बिकॉज ये आपके क्या है, मासेस है, एक्चुअल मास, ठीक है। एरर नहीं है, हमको एरर नहीं निकालना, हमको मास निकालना है। तो मैं उसे ऐड करूँगा, ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा 43 केजी। सो इस तरह से आपने क्या निकाला, टोटल मास निकाला। बट हमें टोटल मास के साथ में एरर भी निकालना है। सो हम एरर कैसे निकाल सकते हैं, देखो, ऐड करना है हमें, है ना। टोटल एरर मतलब क्या, आपको जो भी एरर है उसको ऐड करना है। तो एरर को ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टोटल एरर इज इक्वल्स टू, पहले में m1 प्लस m2 करोगे, ठीक है। पहला एरर क्या है आपका, आपको पता है पहला एरर है 0.2। अच्छा, प्लस माइनस होता है एरर हमेशा, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। 0.2 प्लस, एरर हमेशा ऐड होता है इसलिए मैंने प्लस किया है। m2 क्या है आपका, 0.3 है, ठीक है। सो ये प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3, डेट इज 0.5। नाउ दिस इज योर टोटल एरर, ठीक है। सो इस तरह से आपने टोटल एरर भी कैलकुलेट कर लिया। टोटल मास है 43 केजी, टोटल एरर है प्लस माइनस 0.5 केजी, ओके। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में तो लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, ये टाइम है उस ऑब्जेक्ट का जिसमें 100 सेकंड टाइम है और उसमें 1 सेकंड का क्या है, एरर है, ठीक है। और 5.2 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसमें 0.1 मीटर का क्या है, एरर है। नाउ आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स एरर, यानी कि आपको एक्चुअल स्पीड कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ आपको फाइंड करना है एरर। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 100 सेकेंड, तो मैं लिख देता हूँ 100 सेकेंड, जिसमें प्लस माइनस 1 सेकेंड का क्या है, यस, एरर है, ओके। नाउ अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने, 5.2 मीटर, जिसमें 0.1 मीटर का क्या है, यस, एरर। नाउ आपको यह फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, स्पीड को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको डी से मैं मेजर करता हूँ, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। नाउ स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस है आपका डी बाय टी, बट मैं देखो यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, एरर भी फाइंड करना है मुझे, करेक्ट। एरर फाइंड करना है तो मैं एरर को कैसे लिख सकता हूँ, देखो, प्लस माइनस, अब देखो ये डी और टी, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और हमने पढ़ रखा है कि जब दो क्वांटिटी डिवाइड होती है तो उनके एरर को हम डिवाइड नहीं करते, बल्कि उनका रिलेटिव एरर निकाल के उन दोनों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इनका क्या कर रहा हूँ, रिलेटिव एरर को निकाल रहा हूँ, कैसे, डेल्टा डी बाय डी, और इनका रिलेटिव क्या है, दूसरे का क्या है, दूसरे क्वांटिटी का रिलेटिव एरर डेल्टा टी बाय टी, दोनों को क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ, करेक्ट। नाउ देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। नाउ एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 5.2, ओके। नाउ टाइम कितना है, टाइम है 100। नाउ प्लस माइनस, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल्टा डी है यहाँ पे, डेल्टा डी यानी कि 0.1, तो 0.1 अपॉन में डी कितना है, डी है 5.2, प्लस डेल्टा टी कितना है आपको यहाँ पे मिला है 1, अपॉन में टी कितना है, टी है 100। नाउ ये s इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.052, है ना, प्लस माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, 0.1 डिवाइड बाय 5 बाय 2,
सोचो 0.1 डिवाइड बाय 5 बाय 2 क्या होगा, 0.019 होगा, है ना, प्लस 1/100 इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.01। ओके क्लियर। नाउ s इज इक्वल्स टू, ये 0.052 क्या है आपका, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बोलो, ये आपका स्पीड है, ठीक है, प्लस माइनस इसमें एरर कितना आ रहा है, देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको पता चलेगा 0.029। ओके सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे आपका स्पीड कितना है, यहाँ पर आपका स्पीड है 0.052 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं स्पीड एरर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल गया स्पीड एरर कितना, स्पीड एरर आपको मिल गया प्लस माइनस 0.029 मीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगा, ओके। नाउ अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए कैसे करना है उसे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वर्कशॉप है जिसपे एक वर्कर मेजर कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है सर, लेंथ मेजर कर रहा है। अच्छा किसका मेजर कर रहा है, लेंथ, स्टील प्लेट का। अच्छा एक पतला सा स्टील प्लेट रहेगा जिसका एक वर्कर क्या कर रहा है, लेंथ मेजर कर रहा है। अब पतला सा स्टील प्लेट है तो स्केल से तो मेजर करेगा नहीं, वो क्या यूज कर रहा है, वो वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा है। नाउ जिनको नहीं पता वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर छोटे से छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, ठीक है, और वो डिवाइस कितना छोटा लेंथ को मेजर कर सकता है, तो 0.01 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है, इतनी छोटे लेंथ को वो मेजर कर सकता है, ठीक है। अगर जिनको ये लीस्ट काउंट का मतलब नहीं समझा तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्केल आप देखते हो नॉर्मल जो आपके पास स्केल होता है, ठीक है, आप वो स्केल में देखोगे तो आपको देखो ऐसे छोटा छोटा दिखता है, फिर एक लाइन, फिर ऐसे छोटा छोटा, ठीक है, तो अगर वो एक पॉइंट को आप मेजर करो तो कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 0.1 क्या है इसका, यस ये इसका लीस्ट काउंट है स्केल का, ठीक है। उसी तरह वर्नियर कैलिपर जो होता है ना जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं तो उसका सबसे लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब आपको शायद आइडिया मिल गया होगा। नाउ अब लिखा हुआ है कि उस वर्नियर कैलिपर से आपने मेजरमेंट लिया लेंथ का, तो आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिले, ठीक है, एक बार तो हम लेंथ लेते नहीं है ना, हम मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, रिपीटेड मेजरमेंट लेते हैं जिससे हमारा वैल्यू क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है, सो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3.11 सबसे पहला यहाँ पे आपने क्या क्या मेजर किया, फिर 3.13, उसके बाद 3.14 और उसके बाद 3.14, करेक्ट। नाउ आपको यहाँ पे फाइंड करना है इसका मीन लेंथ कितना है सबसे पहले तो, ओके, फिर आपको फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, ओके, फिर आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर क्या होता है, ठीक है। सो चलो हम सबको फाइंड करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, ओके, ध्यान से देखते रहना, सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेंथ कितने दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे टोटल 4 लेंथ्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ L1 जो कि हमको दिया हुआ है 3.11 सेंटीमीटर, नो डाउट L2 आपको दिया हुआ है 3.13 सेंटीमीटर, अगेन नो डाउट L3 आपको दिया हुआ है 3.14 सेंटीमीटर, ना इसमें थोड़ा सा डाउट ही नहीं है, L4 आपको दिया हुआ है 3.14 सेंटीमीटर। नाउ सब कुछ एकदम क्लियर है, ठीक है, अब हमको क्या करना है, मीन लेंथ फाइंड करना है, मीन फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है, सो हम चुपचाप मीन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं L मीन, है ना, यू नो व्हाट यू मीन बाय मीन, मीन मतलब एवरेज, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करूंगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूंगा। सो सिंपली मैं 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 डिवाइड बाय करूंगा 4। तो अभी आप देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले, ऐड करने वाले, इन सबको आप ऐड करोगे और जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है 3.13। नाउ आप 11th में हो तो इतना तो मुझे नहीं करूंगा तो आप कर ही लोगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, मीन मिल गया है, मीन लेंथ मिल गया है 3.13 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ आपको क्या फाइंड करना है इसके बाद, आपको परसेंटेज एरर नहीं नहीं मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है पहले, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका मीन निकालो, है ना, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। सो यू नो हाउ टू फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, तो मैं आपको वो भी फाइंड करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा ये मिटाना पड़ेगा, तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, हाँ। सो अभी हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मीन एब्सोल्यूट एरर क्रिएट। नाउ देखो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये ऐसे लिख देता हूँ, आपको मालूम है कैसे फाइंड करना होता है ना, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर यानी कि मॉड में, एब्सोल्यूट एरर यानी कि मॉड में जो भी आपका क्या आया है, मीन लेंथ आया है, ठीक है, जो भी आपका क्या है, मीन लेंथ आया है, उससे जो भी आपका L1 का मेजरमेंट है, जिसका ही मेजरमेंट है, उसको माइनस करो, ठीक है। सो मैं वही करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, देखो मॉड में ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट मेजरमेंट यानी 3.11 है उसके लिए एब्सोल्यूट एरर निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे निकलेगा,
3.13 आपका जो मीन लेंथ है उसमें से 3.11 माइनस करो, ठीक है, फिर प्लस, फिर सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 3.13, सो यहाँ पे 3.13 उसमें से 3.11 क्या करो माइनस, सॉरी 3.13 क्या करो माइनस करो, फिर प्लस, उसके बाद क्या है आपका 3.13 उसमें से आप थर्ड लेंथ क्या है 3.14 उसको माइनस करो, फिर प्लस, फिर 3.13 आपका मीन जिसमें से आपको 3.14 क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। नाउ ये जो आपको लेंथ दिख रहा है यहाँ पे, ये आगे साइड आपको लिखना है 1/4। नाउ सर वाई 1/4, ये 1/4 इसलिए क्योंकि आप ये देखो ये सारी लेंथ को आप क्या करोगे मेजर करोगे, प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो आपको क्या करना है इसको 4 से डिवाइड करना है ना, तो 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है 1/4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू 4 बिकॉज यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ये एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालते हैं, वही ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो क्या होगा यहाँ पे 3.13 माइनस 3.11, सो इसका आंसर आएगा 0.02, प्लस इसका आंसर आएगा 0, प्लस इसका आंसर आएगा 0.01, प्लस इसका आंसर आएगा 0.01, करेक्ट। नाउ इसको मैं 4 के साथ क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, सो यहाँ पे आपको मीन वैल्यू क्या मिलने वाली है, आपको यहाँ पे मीन वैल्यू मिलने वाली है 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज़, ओके। नाउ आपको भी यहाँ पे परसेंटेज एरर फाइंड करना है। नाउ परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए आपको रिलेटिव एरर पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिलेटिव एरर पहले फाइंड कर लेते हैं, तो मैं इसको ही मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप पहले ले लो, ठीक है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकल जाता है, रिलेटिव एरर का आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू जो भी आपका एब्सोल्यूट मीन एरर रहेगा, जो भी आपका एब्सोल्यूट मीन एरर रहेगा, क्या था आपका एब्सोल्यूट मीन एरर, दैट इज 0.01, उसको आप डिवाइड कर दो जो भी आपका मीन वैल्यू रहेगा उसके साथ में, मीन वैल्यू इज 3.13। नाउ इन दोनों को आप जब डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है, यस आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.00319, ओके। ये आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है, इनको डिवाइड करने पे। नाउ आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है सर, जो भी रिलेटिव एरर रहेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिलेटिव एरर है यहाँ पे 0.00319 जिसमें आपको 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई। नाउ यू विल गेट 0.31%, ओके। सो दिस इज योर परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे इसका मीन लेंथ निकाल लिया, हमने यहाँ पे इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, हमने यहाँ पे इसका परसेंटेज एरर निकाल लिया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो ध्यान से देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास 60, और इसमें एरर कितना है, एरर यहाँ पे क्या दिया है 0.3 ग्राम, अच्छा मास है ना, तो 0.3 ग्राम का एरर है इसमें, और वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 25 जिसमें 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड का क्या है एरर है। नाउ इसे कैसे फाइंड किया जाए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। नाउ परसेंटेज एरर निकालना है आपको, क्लियर। सो परसेंटेज एरर निकालोगे कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर क्या होता है पहले वो समझो, परसेंटेज एरर जो है वो रिलेटिव एरर का 100 से मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड रिलेटिव एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो रिलेटिव एरर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपको दिया हुआ है उसका एब्सोल्यूट पहले मीन एरर को लिख लो और फिर उसको डिवाइड कर दो मीन वैल्यू के साथ, है ना, यही होता था फॉर्मूला, है ना। क्या होता है देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे लिखता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको आपको डिवाइड करना है, सॉरी मीन वैल्यू के साथ, किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ, तो यही तो होता है ना रिलेटिव एरर। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आपका जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर रहेगा उसको मैं ऐसा नोट करता हूँ, ठीक है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मीन, ठीक है, उसको मैं डिवाइड करूँगा मीन वैल्यू के साथ, तो मीन वैल्यू क्या होगा, मीन वैल्यू आपका काइनेटिक एनर्जी ही रहेगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिलेटिव एरर हो गया, ठीक है। इसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है, और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसे कैसे फाइंड किया जाए, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहीं पे लिख लो बाजू में, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि आपको एक्चुअली करना क्या है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। नाउ क्या करो आप यहाँ पे ना, इसका एरर फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, एरर फाइंड करना है।
सो कैसे आप एरर फाइंड करते हो? आप एरर फाइंड करते हो यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे रिलेटिव एरर को ऐड कर दोगे, है ना। डिवाइड में एरर कैसे फाइंड किया जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई में एरर कैसे फाइंड किया जाता है, जो भी आपका रिलेटिव एरर है उसे ऐड करते हैं। सो यहाँ पे मैं जो भी इसका रिलेटिव एरर है उसे ऐड कर रहा हूँ। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के साथ में क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, या इसका क्या है रिलेटिव एरर है। अच्छा मीन लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो कन्फ्यूज हो गए आप। सो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हाफ का तो एरर होगा नहीं तो उसे हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मास, मास का यहाँ पे क्या होता है, मास मीन, नहीं मीन नहीं लिखता हूँ ठीक है, चलेगा कोई डाउट नहीं था, मीन हटा देते ठीक है, पिन मतलब का एक्स्ट्रा लिख रहे हैं हम। तो डेल्टा एम अपॉन एम ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा ना, वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर है पावर है, तो पावर का टू तो आगे आ जाएगा, फिर ये वी के लिए क्या करेंगे डेल्टा वी बाई वी, क्लियर। सो ये हम क्या करें रिलेटिव एरर निकाल रहे ठीक है। सो देखो यहाँ पे डेल्टा के ई अपॉन के ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम, व्हाट इज डेल्टा एम, डेल्टा एम इज 0.3, सो आई विल राइट 0.3। व्हाट इज मास, मास 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 60 है ओके। सो प्लस ये टू से मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी तो सर 0.1 होता है, सो यहाँ पे 0.1 लिखूंगा। वी कितना है, वी है 25, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सब कुछ है ना। सो डेल्टा के ई अपॉन में के ई इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करो, करो डिवाइड, डिवाइड करो, उसका क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा। सो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 0.005, प्लस इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे टू से फिर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.008 ओके। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड दिस टू नंबर्स ओके। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाजू में डेल्टा के ई अपॉन में के ई इज इक्वल्स टू एट दिस नंबर, देन यू विल गेट क्या मिलेगा आपको 0.013 मिलेगा ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ ये क्या है, ये है रिलेटिव एरर, क्या है रिलेटिव एरर। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या निकल जाएगा, यस सर परसेंटेज एरर निकल जाएगा, तो निकालो ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डेल्टा के ई अपॉन में के ई मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, नाउ इतने की वैल्यू क्या थी 0.013, तो यहाँ भी 100 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये है आपका परसेंटेज, अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ एक्चुअली, मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, सो मैं यहाँ पे डॉक्टर की राइटिंग में लिखता रहता हूँ। परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया 1.3%। सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आई होप आपको समझा होगा। नाउ अभी हम लोग करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है